अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम HP 1200 सीरीज़ का ड्राइवर डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना सीखेंगे। ड्राइवर डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हम HP की साइट पे जाएंगे, ड्राइवर वाले पोर्शन में गए, इधर से प्रिंटर के ऊपर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, सर्च बार में अपना मॉडल लिखेंगे, फाइंड करेंगे, ये प्रिंटर्स में चेक करेंगे, ये HP लेज़रजेट 1200 प्रिंटर से इसको सिलेक्ट करेंगे, ये खुद ब खुद विंडो डिटेक्ट कर लेता है। मेरे पास विंडो 32 बिट है, इसलिए उसने 32 बिट के ड्राइवर शो किए हैं। अगर आपके पास विंडो डिटेक्ट ना करे तो आप इधर से चेंज में जाकर अपनी विंडो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट करके इधर चेंज पे चेंज के बटन को प्रेस करेंगे तो वो उसी विंडो के ड्राइवर शो कर देगा। तो ड्राइवर्स में जाएंगे तो ये यूनिवर्सल ड्राइवर्स आ रहे हैं। आपने यूनिवर्सल ड्राइवर PCL फाइल ये वाला डाउनलोड करना है, क्योंकि मेरे पास तो डाउनलोड किया हुआ पड़ा है। तो मैं आपको इंस्टॉलेशन इसकी बता देता हूँ। ये ड्राइवर है, इसको अनज़िप करेंगे, ओके, यस, ये USB प्लग एंड प्ले मोड इंस्टॉल सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे तो इंस्टॉलिंग शुरू हो जाएगी। ये फिनिश करेंगे, उसके बाद अपने प्रिंटर की केबल अटैच कर देंगे और ये स्टार्ट में जाकर डिवाइस प्रिंटर में जाएंगे, इधर आपका मॉडल शो हो जाएगा, ठीक है। अगर ना हो तो ऐड अ प्रिंटर में जाएंगे, लोकल प्रिंटर, इधर से उसकी पोर्ट ये .4 के नाम से आ रही होगी, इसके आगे लिखा होगा 1200। अब वो सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद मैन्युफैक्चर में HP सेलेक्ट करेंगे और लास्ट पे ये HP यूनिवर्सल प्रिंटिंग PCL5 आ रही है, इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे तो हमारा प्रिंटर इंस्टॉल हो जाएगा।